हम चले हैं सर्विस सेंटर। वेलकम टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। क्या हाल है मेरे भाई लोग? सब लोग बढ़िया हो? आप सबको 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 हैप्पी एडवांस दिवाली, ठीक है, हैप्पी धनतेरस बी लेटेड, दोनों बोल दिया। सॉरी कल वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा था। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत जरूरी है, देख तो लिया है, ठीक है, क्लिपिंग में आपको पता लग गई है, तो जरूर पूरी वीडियो देखना। आप लोगों के लिए एक कमाल का चीज बताऊंगा लास्ट पे, जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको कभी बताई होगी, और माइक्रोमैक्स के यूजर्स आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इस बात से। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देख लेना, ठीक है, जो चीज बताऊंगा लास्ट बताऊंगा, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि ये तो बनता है, जो चीज पे मैंने इतने दिन लग गए इस चीज को बनाने में, तो इसके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखे प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, जो सबसे पहली बात है, क्लिप्स में आपको पता लग गया कि मैं बठिंडे गया था, ठीक है, सर्विस सेंटर में, तो थोड़े से क्लिप्स देख लो। हम चले हैं सर्विस सेंटर बठिंडे के, ठीक है, तो आपको आज रास्ता दिखाते हैं, थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी आज हमारी, और ये मेरा भाई है मेरे साथ चल रहा है। मोबाइल सेंटर गया था माइक्रोमैक्स के, क्यों गया था, किस लिए गया था, सबसे पहले वो सुन लो। मेरे फोन की बैटरी बहुत स्पीड ड्रेन हो रही थी, ठीक है, मेरे फोन का क्या बोलते हैं, बैटरी फुल गई थी, सीरियसली फुल गई थी, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि मुझे इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर की है, जिसके चलते मुझे फायदा भी है और आपको भी वो फायदा मिलेगा, तो वो इसलिए जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं आंसर दे देता हूँ उन बंदों को जो अब आके बोलेंगे मैंने बोला था ना माइक्रोमैक्स अच्छा नहीं है, मैंने बोला। सबसे पहली बात, किस सर्विस सेंटर के बाहर भीड़ नहीं होती है, वारंटी क्यों लेते हो फिर, फोन पे वारंटी लेना बंद कर दो ना, यदि इतना ही कॉन्फिडेंस है आप लोगों को फोन में तो वारंटी क्यों लेते हो, सब पता है भाई सबके फोन में, और मेरा जिस लेवल का यूज है ना फोन का, और एटलीस्ट मेरा फोन फटा नहीं है, गजब बेइज्जती है। जल गई, ठीक है, मेरे फोन के ऊपर मीम्स नहीं बने हैं फटने पे, तो कंट्रोल करो। सबसे पहली बात वो चीज बता दे रहा हूं जो हेटर्स आके हेट मारने वाले थे उनके लिए जवाब। अब सुनो, मेरी बैटरी फुल गई, मैंने ट्विटर पे सबसे पहले जो आप लोगों को भी करना है, जिन बंदों का मुझे पता बहुत बंदों का ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले सुन लो और लास्ट पे एक ऐसी चीज बोलूंगा जो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्विटर पे जाना है और माइक्रोमैक्स को सीधा डीएम करना है कि सर ऐसी सी बात है, मेरे फोन की बैटरी बहुत स्पीड ड्रेन हो रही है, ठीक है, मैंने वो किया। उन्होंने मुझे सीधा कॉन्टेक्ट किया, मैंने पोस्ट नहीं डाली, सीधा उन्हें डीएम किया और डीएम पे उन्होंने मुझसे अपना मेरा नंबर मांगा। नंबर देते ही उन्होंने शाम को मुझे कॉल कर लिया, उस टाइम मेरा फोन नहीं उठा पाया। उन्होंने दो तीन बार कॉल करने के बाद उन्होंने खुद फिर से डीएम किया मुझे कि सर हमने कॉल किया आपने फोन नहीं उठाया। मैंने बोला एक बार आप करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उन्होंने किया, तब मैंने फोन उठा लिया, ठीक है, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है आप एक काम करो कस्टमर केयर चल जाओ। मैं जब सर्विस सेंटर जाने की बात की तो मुझसे उन्होंने पूछा कौन सा सबसे सामने है, तो मैंने बताया कि मेरे लिए ये सामने पड़ेगा, तो उन्होंने बोला आपको हमारे पंजाब का जो सबसे हेड है उनसे बात करवा देंगे और आप एक बार विजिट करो। तो मैं फिर बठिंडे गया, ठीक है, बठिंडे जब मैं वहां पहुंचा तो मैं जो बोलना चाहूंगा, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें जरूरी है तो पूरी सुन लेना, ठीक है। मैं बठिंडे गया, मैंने बोला वहां पे जाके सर्विस सेंटर बहुत मुश्किल से ढूंढ लिया मैंने, ठीक है, मैप में आराम से मिल गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा और प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा फोन की बैटरी है वो 6 महीने बाद
खराब हो गई थी, मतलब फोन की जो बैटरी वो 6 महीने बाद खराब हो गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जो वारंटी में था वो 6 महीने तक था, वो कह रहे थे मुझे कि सर आपकी वारंटी 6 महीने तक है, मतलब जो बैटरी एसेसरीज में आ जाती है, चार्जिंग केबल एंड बैटरी। मैंने बोला कुछ नहीं किया जा सकता। फिर मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं आपके पैसे लगेंगे। मैंने पूछा कितना, उन्होंने बोला 1100। मैंने बोला चलो ठीक है, अब मुझे बदलवाना तो था लेकिन अब इसे गुड लक बोलो, बैड लक बोलो, उनकी बैटरी खत्म थी स्टॉक में। तो उन्होंने मुझे बोला आप एक काम करो, आप फोन करना कुछ दिन बाद आना, बैटरी अभी स्टॉक में है नहीं। मैंने बोला अब कुछ कर नहीं सकते, मैं वापस आ गया घर। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा सा खटका, यार थोड़ा महंगा नहीं है बैटरी। मैंने भी यही किया जो आप लोग के दिमाग में, मैंने ट्विटर पे फिर डीएम कर दिया। मैंने सर सीधा बोला माइक्रोमैक्स को कि सर मेरी 6 महीने से 20 दिन ऊपर गई है, ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला है कि 6 महीने की वारंटी आपको मिल रही है, 1100 रुपए वो मुझसे मांग रहे, तो कुछ कंसेशन कर दो या कम कर दो। आप बिलीव करोगे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया, ठीक है, डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात की। और किसने बात की, कोई सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर नहीं, टेक्निकल हेड ने मुझसे बात की। ठीक है, क्या बोला तूने? ठीक है, मैंने उनसे बोला कि अब क्या बात हुई वो मुझसे सुन लो। उन्होंने मुझे सीधा यही बोला कि सर आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे 100% श्योर है, मैक्सिमम बंदों को ये नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारे, मेरे एक भाई यूट्यूबर है उनसे भी मैंने बात की कि सर ऐसे ऐसे 6 महीने, तो उन्होंने भी बोला कि मैं जितने भी फोन है सबकी बैटरी 6 महीने की वारंटी के अंदर ही होती है, बट माइक्रोमैक्स की बैटरी 1 साल वारंटी के अंदर होती है। यदि आपसे कोई भी सर्विस सेंटर वाला पैसे मांगता बिल्कुल मत देना, माइक्रोमैक्स की वारंटी जो होती है फोन की, वो बैटरी की वारंटी भी 1 साल की है, चार्जर उसकी नहीं, वो तो 6 महीने, लेकिन बैटरी की वारंटी 1 साल की है, ये समझ लो। ठीक है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी फिर, उन्होंने मुझे जब ये बात बोली, फिर उन्होंने सीधा बठिंडे जो सर्विस सेंटर है उन्हें कॉल किया, आप पैसे क्यों मांग रहे हो, उन्होंने उनसे बताया। ठीक है, उनसे बात की, फिर मुझसे बात की। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई इतना केयर कौन सा कंपनी करता है, कौन कंपनी तुमको इस लेवल का फीडबैक देता है, उसके बाद भी हम हेड फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते ना, फिर भी नहीं यार बैटरी फुली, वो मेरी, मुझे पता है मैं किस लेवल का यूज करता हूँ। ठीक है, आई नो दैट मेरा एक्सट्रीम लेवल का यूज है फोन का, और मेरे को जो है गलत जो चीजें, देखो अब लीवर किसी का खराब होता है तो ये तो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो दारू पीता था तब खराब हुआ है, नहीं मानता ना बंदा, सेम लाइक बहुत बंदे नहीं मानते। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी एडिटिंग, दिन भर मोबाइल चलता है, फोन चलता है, सब कुछ के हर एक चीज करता हूँ मैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का यूज है मेरा भाई, तो मैं उस लेवल पे, और मेरे यहाँ का जो फ्लैक्चुएट होता है बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है जो बिजली आती है, तो बहुत सारे रीजंस हैं मेरे बैटरी फुलने के, मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे बोला 1 रुपया नहीं आपको देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये चीज आप लोग में से किसको पता था, ये कमेंट करके जो बता रहा कि आप यदि माइक्रो जो 6 महीने की बैटरी की वारंटी कितने महीने की होती है ये मुझे बताना आपके फोन की, क्योंकि मैंने उस बंदे ने, क्योंकि उसके पास और भी फोन के सर्विस सेंटर थे, तो उन्होंने, उसने मुझे बोला कि भाई फोन की जो बैटरी होती है वो 6 महीने के अंदर ही होती है। तो मुझे तो ये चीज की हुई। उसके बाद मुझे बठिंडे से सीधा कॉल आया क्योंकि माइक्रोमैक्स ने बंबू दिया उस सर्विस सेंटर को। ठीक है, तो यदि आपके साथ कोई गलत बिहेव होता है, कुछ होता है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, मुझे मेरे भाई ने मुझसे पूछा भी था यार बैटरी ड्रेन हो रही है, मैंने बोला था बनाऊंगा वीडियो और बहुत अच्छे से बनाऊंगा, इस बेस पे पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बनाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मुझे बठिंडे वालों ने बोला है कि भाई आप आओ, बैटरी आपको फोन रखना पड़ेगा यहाँ पे 1-2 दिन के लिए, फिर हम आपके रिक्वेस्ट डालेंगे और बैटरी दबा के आपके फोन में डल जाएगी, उन्होंने मुझे ये बोला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये आपको जस्ट एक क्या बोलते हैं, आपको नॉलेज भी दी है। ठीक है, आपके जो एक आपका क्या राइट्स है आप वो कर सकते हो, और मैंने आपको 1000 बार बोला ना, कोई प्रॉब्लम होती है ट्विटर जाओ वहां बोलो और अपने आप को ठीक हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए? इसलिए जरूरी है जागरूक हो। ठीक है, जागरूक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार रखें, सब्सक्राइब करें और माता रानी सबको खुश रखे। जय हिंद, जय श्री राम।